सभोपदेशक अध्याय पांच सभोपदेशक अध्याय पांच जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना क्योंकि सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है इसलिए कि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं बातें करने में उतावली न करना और अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने न निकालना क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है परंतु तू पृथ्वी पर है इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता से स्वप्न देखा जाता है वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता इसलिए जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है कोई वचन कहकर अपना शरीर पाप में न फंसाना और न परमेश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे क्योंकि स्वप्नों की अधिकता और व्यर्थ कामों और बातों की बहुतायत से ऐसा होता है परंतु तू परमेश्वर का भय मानना यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों का अंधेर सहना और न्याय और धर्म को बड़े लोगों से बिगड़ता देखे तो इस बात से चकित न होना क्योंकि उन बड़ों से भी एक बड़ा है और उसको इन बातों की सूझ रहती है और उन दोनों से भी कोई अधिक बड़ा है भूमि की उपज सबके लिए है वरन खेती से राजा का भी काम निकालता है जो रुपये से प्रीति रखे वह रुपये से तृप्त न होगा और जो बहुत धन से प्रीति रखे उसको कुछ फल न होगा यह भी व्यर्थ है जब संपत्ति बढ़ती है तब उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ हुआ कि उसने उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखा है परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए चाहे बहुत तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है परंतु धनी के धन के बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती एक बड़ी बुरी बला है जिस मैंने धरती पर देखी है अर्थात वह धन जिसे उसका मालिक अपनी ही हानि के लिए रख छोड़ता है और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है और यदि उसके घर में बेटा उत्पन्न हो तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता जैसा वह मां के पेट से निकला वैसा ही वह नंगा जैसा आया था लौट जाएगा और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी न पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जाए और यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया ठीक वैसा ही वह जाएगा फिर उसे उस व्यर्थ परिश्रम से क्या लाभ है फिर वह जीवन भर बेचैनी में खाता है और बहुत ही दुखित और रोगी रहता है और क्रोध भी करता है सुन जो मैंने देखा है यह भली बात है वरन अति सुंदर है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जिससे परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे क्योंकि उसका भाग यही है वरन जिस किसी मनुष्य को परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो तो यह परमेश्वर का वरदान है क्योंकि इस जीवन के दिन उसको बहुत स्मरण न रहेंगे और परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंदित करता है।